हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। वनस्थली विद्यापीठ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सैलरी, एज, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिन कैंडिडेट ने नहीं देखा है तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है, फीस भी नहीं लग रही है, ठीक है। मास्टर डिग्री के साथ में केवल बीएड मांगा गया है। सबसे अच्छी बात है कि सैलरी के साथ में पेंशन मिल रही है, जिससे कि लाइफ जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाती है। आप सभी जानते हैं, अगर पेंशन रहती है तो कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है फ्यूचर में। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है सबसे पहले, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट्स है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी, और दूसरा जो है नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है टेक्निकल स्टाफ के लिए, ग्रेजुएशन वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ, लैब असिस्टेंट फॉर अर्थ साइंस के लिए केवल बीए या बीएससी ज्योग्राफी के साथ मांग रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट डेट जो है वो आप देखें, 10 अप्रैल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा, 16 अप्रैल को अमर उजाला में पब्लिश होगा। तो इसके आगे के जो है वो 3 हफ्ते तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे लास्ट डेट क्या है। जैसे 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल के बाद के जो है 3 हफ्ते तक, 3 वीक तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैंने आप लोगों को जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी एंड ड्राइंग, तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो ध्यान रखें, 3 अप्रैल 2024 के बाद के 3 हफ्ते तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है और 9 अप्रैल को होगा अमर उजाला में, ठीक है। नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे डाउनलोड करना है, फिल करना है और भेज देना है। अब चलिए देख लेते हैं टेक्निकल स्टाफ के लिए, काफी अच्छी वैकेंसी है, ध्यान रखिए। एक बार टीचिंग स्टाफ के लिए लास्ट डेट जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी एंड ड्राइंग की वैकेंसी है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री के साथ में बीएड, सीटेट या टेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ है, तो इसके जो है 3 हफ्ते के अंदर, 3 अप्रैल के बाद 3 हफ्ते तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए देख लेते हैं लास्ट डेट। सबसे पहले लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट जो है यहाँ पर अलग है, टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 अप्रैल, अमर उजाला में 16 अप्रैल 2024 को पब्लिश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 10 अप्रैल के बाद के जो है 3 हफ्ते तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं, इसमें सबसे अच्छी जो वैकेंसी मुझे लगी, सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें लैब असिस्टेंट 8th नंबर पर है, लैब असिस्टेंट्स फॉर अर्थ साइंस। तो इसमें जो है अगर आपने बीए ज्योग्राफी में किया है या बीएससी ज्योग्राफी से किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना ही मांग रहे हैं। टेक्निकल स्टाफ में सबसे पहले है सीनियर या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर कंप्यूटर लैब, जिसमें एमसीए वाले एमएससी, बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपने किया है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ में जो है 1 साल का जो है वो आपके पास अगर डिप्लोमा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी काफी अच्छी रहेगी इसमें। सीनियर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एआई लैब के लिए, तो इसमें भी जो है एमसीए, एमएससी, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले, ग्रेजुएट, 1 साल डिप्लोमा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी नॉलेज इसमें मांग रहे हैं, एआर, वीआर, 3D प्रिंटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ड्रोन सिस्टम इनकी। नेक्स्ट जो है सीनियर और जूनियर दोनों में 5G 6G लैब के लिए तो बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेशन में आप देखें बीटेक वाले अप्लाई यहाँ कर पाएंगे। एक जो वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कमेंट में पूछा भी गया है
कि अगर माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसी कहीं से आती है, लाइफ साइंस की वैकेंसी आती है तो बताएं। तो यहाँ वैकेंसी है और काफी अच्छी वैकेंसी है वनस्थली विद्यापीठ में, सीनियर एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट फॉर लाइफ साइंस। तो जिसमें बीएससी या एमएससी अगर आपने किया है बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही जो है कंपलसरी, आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद जो है सीनियर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स एंड होम साइंस। तो बीएससी फिजिक्स या होम साइंस में है तो अप्लाई करें। फार्मेसी के लिए डिप्लोमा फार्मेसी में चाहिए। लैब असिस्टेंट फॉर नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। सैलरी आपको बता ही दी है, सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। खादी ड्रेस जो है आप लोगों को, आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो पहनना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेन वेबसाइट पर ही है, इसे डाउनलोड करना है, फिल करना है और उसके बाद जो है 3 हफ्ते के अंदर, ये एड्रेस है सेक्रेटरी वनस्थली विद्यापीठ, पोस्ट ऑफिस वनस्थली विद्यापीठ, 304022 राजस्थान। ठीक है, जॉब भी जो है राजस्थान में ही लगेगी। तो इस पर जो आप लोगों को भेजना है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका लिंक ये रहा। तो शिक्षक भर्ती का जो है वीडियो देखिएगा, जिन कैंडिडेट को अप्लाई करना है टीचिंग पोजीशन के लिए, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए आप लोगों को बता दिया है। ये अच्छी वैकेंसी थी जो ये निकल गई, महिलाओं की अति विशिष्ट शिक्षण संस्था को छात्रावास हेतु आवश्यकता है। तो ये मुझे ही जो है पता नहीं चला और इसकी लास्ट डेट जो है वो निकल गई। इसमें जो है मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन बीएड के साथ में मांग रहे थे और 5 साल का अनुभव आवासीय शैक्षणिक संस्थान में। तो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए था, मैट्रोन की थी, तो यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही थी। छात्रावास व्यवस्थापिका की जो है 25,000 से 40,000 तक सैलरी थी और 15,500 से 25,000 तक मैट्रोन की थी। ठीक है, मैट्रोन में जो है वो केवल ग्रेजुएशन मांग रहे थे और 3 साल का जो है वो अनुभव। 25 से 45 वर्ष जो है यहाँ पर उम्र रखी गई थी, केवल महिलाओं के लिए थी ये वाली वैकेंसी जो कि 28 फरवरी को निकल चुकी है। ठीक है, तो ये मुझे ही जो है वो पता नहीं चला, वनस्थली विद्यापीठ से ही जो है ये वैकेंसी थी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। तो आगे जो है जैसे ही वैकेंसी आती है यहाँ से तो बिल्कुल आप लोगों को जल्द ही जो है सूचना दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।